हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ऑनलाइन क्लास ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम NIT पॉलिटेक्निक नागपुर. माई सेल्फ प्रोफेसर पूर्णिमा डोंगरे, सब्जेक्ट टीचर ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग. इन टूडे सेशन वी विल सी यूनिट 6, ड्रेनेज मेंटेनेंस एंड रोड रिपेयर. एंड टूडेज टॉपिक इज फेल्यूर ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेवमेंट. फॉर लर्निंग दिस टॉपिक वी हैव टू गो लर्निंग आउटकम. इन लर्निंग आउटकम वी विल सी कोर्स आउटकम, प्रोग्राम आउटकम एंड यूनिट आउटकम. यह टॉपिक पढ़ने के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किस बात का नॉलेज मिलेगा और प्रैक्टिकली यह नॉलेज आप कहाँ अप्लाई करोगे. लेट अस सी कोर्स आउटकम. अंडरटेक मेंटेनेंस ऑफ रोड्स एंड ड्रेनेज. रोड मेंटेनेंस एंड ड्रेनेज का काम आप कर सकते हो. सेकंड है प्रोग्राम आउटकम. इसमें आता है PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO8, PO9, PO10. जैसे कि बेसिक नॉलेज, डिसिप्लिन नॉलेज, एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, इंजीनियरिंग टूल्स, इंजीनियर एंड सोसाइटी, इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, कम्युनिकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. इन सभी पीओज का यूज करके आप यह टॉपिक स्टडी करोगे. थर्ड है यूनिट आउटकम. स्टूडेंट्स विल एबल टू इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉजेस ऑफ फेल्यूर ऑफ गिवन टाइप ऑफ पेवमेंट. गिवन टाइप ऑफ पेवमेंट फेल्यूर के कारण आप बता सकते हो. सेकंड है सजेस्ट सुटेबल प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड फेल्यूर इन द गिवन टाइप ऑफ पेवमेंट विथ जस्टिफिकेशन. गिवन टाइप ऑफ पेवमेंट फेल्यूर रोकने के लिए आप विशेष उपाय बता सकते हो. स्टूडेंट्स, इन लास्ट टॉपिक वी स्टडीड अबाउट हाईवे मेंटेनेंस एंड इन हाईवे मेंटेनेंस वी स्टडीड अबाउट रूटीन और पीरियोडिक मेंटेनेंस, स्पेशल रिपेयर्स एंड रीसर्फेसिंग. रोड कंस्ट्रक्ट होने के बाद वह व्हीकल्स के लिए खुला होता है. हर रोड की लाइफ स्पान के हिसाब से डिज़ाइन पीरियड होता है, लेकिन कुछ समय बाद यह रोड लाइफ स्पैन के पहले ही खराब होता है. इसे फेल्यूर ऑफ पेवमेंट कहते हैं. तो देखते हैं कॉजेस ऑफ फेल्यूर ऑफ पेवमेंट. सबसे पहले देखते हैं कॉजेस ऑफ फेल्यूर इन फ्लेक्सिबल पेवमेंट. फर्स्ट है इनइफेक्टिव रोड सरफेस ड्रेनेज सिस्टम. रोड सरफेस ड्रेनेज अगर पर्याप्त नहीं है. सेकंड है इनएडिक्वेट सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम. रोड सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम अगर पर्याप्त नहीं है. थर्ड है एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूडिंग हेवी रेनफॉल, सॉइल इरोजन, हाई वाटर टेबल एक्सेट्रा. वातावरण से रिलेटेड टर्म जैसे कि ज़्यादा बारिश, सॉइल इरोजन, हाई वाटर टेबल एक्सेट्रा, यह सब फेल्यूर ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए कारण होते हैं. फोर्थ है डिफेक्ट्स इन द क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स यूज्ड इन एनी ऑफ द पेमेंट लेयर्स. पेमेंट लेयर में डिफेक्टिव मटेरियल अगर यूज करते हैं. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर फेल्यूर ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट. इन फ्लेक्सिबल पेमेंट वी विल टेक एग्जाम्पल ऑफ WBM रोड, दैट इज वाटर बाउंड मैकेडम रोड. WBM रोड में किस टाइप के डिफेक्ट्स हो सकते हैं यह यहाँ पे देखते हैं. लेट अस सी डिफेक्ट्स इन WBM रोड्स. फर्स्ट है रूट रिपेयर. रूट्स आर फॉर्म on road surface due to constant moving of iron tired vehicles.
रूट मीन्स रोड सरफेस पर दरारें पैदा होना, और यह रोड सरफेस की दरारें कांस्टेंट मूविंग आयरन टायर्ड व्हीकल से होती है। सेकंड है रीसरफेसिंग। व्हेन द WBM रोड इज डैमेज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पॉट होल्स रूट्स, देन द टोटल रीसरफेसिंग ऑफ द रोड इज अंडरटेकन। जब WBM रोड का पूरा सरफेस डैमेज होता है पॉट होल्स और रूट्स की वजह से खराब होता है, तब टोटल रीसरफेसिंग करने का काम करते हैं। थर्ड है रिन्यूअल। व्हेन नो अमाउंट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क हेल्प्स टू कीप द रोड सरफेस सर्विसेबल, देन रिन्यूअल ऑफ द रोड इज अंडरटेकन। जब रोड रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा ज़्यादा हो, तब उस रोड को पूरा नया करने का काम मेंटेनेंस में आता है। लेट अस सी फिगर ऑफ WBM रोड। आप WBM रोड के फिगर देख सकते हो। इन WBM रोड्स के ऊपर जो डिफेक्ट्स आते हैं या फेल्योर होता है, उसे रिपेयर करने का काम अलग अलग मेथड से करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट इज बिटुमिनस रोड। बिटुमिनस रोड में फेल्योर किस टाइप के होते हैं? लेट अस सी फेल्योर इन बिटुमिनस रोड। फर्स्ट है पॉट होल रिपेयर। पॉट होल्स आर डेवलप इन रोड पेमेंट ड्यू टू ट्रैफिक लोड्स एंड चेंज इन मॉइस्चर कंटेंट। पॉट होल मीन्स गड्ढे। यह गड्ढे हेवी ट्रैफिक लोड से होते हैं। सेकंड है रूट रिपेयर। रूट्स आर द कट्स इन द रोड कॉज ड्यू टू आयरन स्टील टायर्ड व्हीकल्स। रूट मीन्स दरारें, और यह दरारें आयरन टायर्स व्हीकल से होती है। थर्ड है रीसरफेसिंग। व्हेन यूजफुल लाइफ ऑफ रोड इज ओवर और द सरफेस इज हेवीली डैमेज, रीसरफेसिंग इज डन। रोड की यूजफुल लाइफ कंप्लीट होने के बाद रीसरफेसिंग करने का काम करते हैं। लेट अस सी फिगर ऑफ फेल्योर ऑफ बिटुमिनस रोड। आप फिगर में देख सकते हो बिटुमिनस रोड पर किस टाइप से फेल्योर हुआ है। इन सेकंड फिगर यू विल सी द क्रैक्स इन बिटुमिनस रोड। इस प्रकार के फेल्योर रिपेयर करने का काम कब और कैसे करते हैं, यह आपको मालूम होना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं शेड्यूल ऑफ मेंटेनेंस ऑपरेशन ऑफ बिटुमिनस रोड। इस शेड्यूल में सबसे पहले आता है अक्टूबर टू दिसंबर, दैट इस पीरियड में कौन से मेंटेनेंस का काम होता है। फर्स्ट है रिपेयरिंग ऑफ पैच वर्क्स। सेकंड है रिन्यूअल ऑफ कोड्स। थर्ड है रिपेयरिंग ऑफ डैमेजेस कॉज बाय रेन। पैचवर्क रिपेयरिंग डिफेक्ट कोड्स रिन्यूअल और डैमेज रिपेयर का काम कर सकते हैं। सेकंड शेड्यूल है जनवरी टू मार्च। इसमें आता है रिपेयरिंग ऑफ पैचवर्क रिन्यूअल एंड इम्प्रूवमेंट वर्क्स। पैचवर्क रिपेयरिंग एंड रिन्यूअल एंड प्रोग्रेस ऑफ द रोड का काम इस पीरियड में कर सकते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट पार्ट ऑफ फेल्योर ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी फेल्योर ऑफ रिजिड पेमेंट, दैट इज कॉजेस ऑफ फेल्योर इन रिजिड पेमेंट। फर्स्ट है डिफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम मे लीड टू फेल्योर इन रिजिड पेमेंट्स। रिजिड पेमेंट में डिफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम अगर प्रोवाइड करते हैं। सेकंड है डिफेक्ट्स इन कंस्ट्रक्शन मेथड एंड क्वालिटी कंट्रोल
ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन मेथड प्रॉपरली फॉलो नहीं की और डिफेक्टिव मटेरियल अगर यूज़ किया तो वह रिजिड पेमेंट फेल हो सकता है. थर्ड है, इम्प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ डॉवेल बार्स मे लीड टू स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन एंड क्रैकिंग नियर द जॉइंट्स. कॉन्क्रीट पेवमेंट में जो डॉवेल बार यूज़ करते हैं उसे प्रॉपरली अलाइनमेंट में अगर नहीं लगाया तो वहाँ पे फेल्यूर हो सकता है. फोर्थ है, इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हील लोड्स एंड द नंबर ऑफ लोड रिपीटेशंस एक्सीडिंग द डिज़ाइन वैल्यूज. रोड पर चलने वाले व्हीकल्स के व्हील लोड इंक्रीज होने से, दैट इज़ लोड कैपेसिटी अगर इंक्रीज होती है तो वहाँ फेल्यूर हो सकता है. सो दीज आर द मोस्ट कॉमन रीज़न ऑफ फेल्यूर ऑफ रिजिड पेमेंट. नेक्स्ट वी विल सी फेल्यूर इन सीमेंट कॉन्क्रीट रोड. सीमेंट कॉन्क्रीट रोड में किस टाइप्स के फेल्यूर हो सकते हैं, इसमें आता है फर्स्ट क्रैक ट्रीटमेंट, दैट इज क्रैक इन सीमेंट कॉन्क्रीट रोड. स्ट्रक्चरल क्रैक्स आर रिपेयर्ड आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग द रूट कॉज ऑफ दिस क्रैक्स. सीमेंट कॉन्क्रीट रोड पर जो क्रैक्स आते हैं उसकी वजह पता करके वह रोड रिपेयर कर सकते हैं. सेकंड है पैच रिपेयर्स. डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ डैमेज सरफेस ऑफ स्लैब पैच वर्क कैन बी अंडरटेकन. कॉन्क्रीट रोड पर पैच वर्क मीन्स पार्ट ऑफ रोड सरफेस रिपेयर करने का काम कर सकते हैं. थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ जॉइंट्स. व्हेन डिफेक्ट्स आर सीन इन रोड जॉइंट्स ड्यू टू हैवी लोड मेंटेनेंस ऑफ जॉइंट्स वर्क कैन बी अंडरटेकन. स्टूडेंट्स आपको मालूम होगा द वेरियस जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन कॉन्क्रीट रोड, जैसे कि लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट्स एंड ट्रांसवर्स जॉइंट्स. ज़्यादा व्हीकल लोड से यह जॉइंट्स में क्रैक्स आती है तो इसे रिपेयर करने का काम कर सकते हैं. सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फेल्यूर इन रिजिड पेवमेंट. सी द फिगर ऑफ फेल्यूर ऑफ रिजिड पेवमेंट. इन दिस फिगर सी द फेल्यूर ऑफ रिजिड पेवमेंट एज द क्रैक्स आर डेवलप इन द सीमेंट कॉन्क्रीट रोड. इन सेकंड फिगर दीज आर द क्रैक्स डेवलप नियर द जॉइंट ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट रोड. इन दिस वे इन टुडे सेशन वी स्टडीड अबाउट फेल्यूर ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, फेल्यूर ऑफ रिजिड पेमेंट. स्टूडेंट्स इन दिस सब्जेक्ट यू स्टडीड कंप्लीटली अबाउट फेल्यूर ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट. होप यू अंडरस्टूड द पोर्शन एक्सप्लेन इन वेरियस टॉपिक एंड यू अचीव द कोर्स आउटकम रिलेटेड विद दिस यूनिट. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन टूडेज टॉपिक आर डिस्कस द कॉजेस ऑफ फेल्यूर इन फ्लेक्सिबल पेमेंट, डिस्कस द कॉजेस ऑफ फेल्यूर इन रिजिड पेमेंट, प्रिपेयर अ चार्ट शोइंग शेड्यूल ऑफ मेंटेनेंस ऑपरेशन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च फॉर बिटुमिनस रोड. यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज असाइनमेंट. If you will face any difficulty, then watch the video again, refer the notes provided to you or contact me. Thank you for watching the video.